Hello students, let's do this question. The question says, tell the solution of the complex in water. Char options hai, will give the test of CO2 positive ion, will give the test of NH3, will give the test of SO4 2 negative ion, will not give the test of any of the above species. So, agar main is complex ko dekhun, to coordination sphere ke right side mein sulfate diya hua hai. Yani ki agar main is complex ko water ke andar dalti hun, to ek cation aur anion mein split ho jayega, jismein se cation hoga aapka Cu. NH3 4 2 पॉजिटिव एंड एनायन हो जाएगा आपका SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, तो हमें सल्फेट एज एनायन मिला हुआ है, तो ये इसका एज एनायन की जो टेस्टिंग होती है एनायनिक रेडिकल्स की, वो इसका टेस्ट देगा. सो यानी कि सी ऑप्शन तो करेक्ट है. अब कैटायन जो है वो एक नॉर्मल कैटायन नहीं है, वो सिंपल कैटायन नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है. तो कॉम्प्लेक्स कैटायन के अंदर की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेटली अपनी आइडेंटिफिकेशन शो नहीं करते. यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको CU2 पॉजिटिव की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, इसके अंदर आपको NH3 एज अ लिगैंड जो प्रेजेंट है इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा. ठीक है, यानी कि ए और बी ऑप्शन गलत हो जाते हैं. सो अकॉर्डिंगली आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. I hope you understood. Thank you.